अच्छा, ये एक्सप्लोरर का हॉपर है। अच्छा, इसमें हमने अपना चावल मक्का जो भी हमारा वो डाल दिया है। डाल दिया, पोला की डाई हमने लगा दी है। अब आप देख रहे हैं पोला निकल के, पोला देखेंगे निकल के। इस वाली मशीन में हमें यहाँ पे यहाँ तक पहुँचाना है, फिर यहाँ से कटिंग होता है सर है? इस मशीन को बोलते हैं ऑटोमेटिक पोला कटर मशीन। ऑटोमेटिक पोला कटर मशीन, जितना भी लंबा या छोटा पोला चाहिए यहाँ से हम सेट कर देते हैं उसको। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये अपना काट के निकालता रहता है जी। अब यही रॉ मटेरियल था जो हमने उसके अंदर डाला था। ये देखिए ये मक्का है। अब यहाँ से डालने का इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है सर? अंदर हमारा पोला कट के जा चुका है। अब ये हमारा ऑटोमेटिक मसालेरी ड्रम है। ठीक है, इसमें हमारा तेल और मसाला भरा हुआ है। ओके, तो ये अपने आप इसमें तेल और मसाला स्प्रे करता रहता है पोला के ऊपर। ओके, तो पोला में वो तेल और मसाला चढ़ के बाहर निकल जाता है। निकल जाता है, बक्सों में रख के अपने बैग में। हाँ जी, 50-50 पैक कर लेते मैनुअल। और एक बैग में जैसे बात करें कितने पैकेट होते हैं, कितने पीस होते हैं? हमारे 50 पीस आते हैं। 50 पीस आते हैं, या एक घंटे के लिए कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं? एक घंटे में हमारा 100 kg का प्रोडक्शन होता है। 20 से 25 मिनट का। बाकी अभी हमने एक साइड में भी रख दिया, काफी सारा है। तो बताएं आप वीडियो को कहां कहां से देख रहे हैं, एंड अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर नंबर्स मैंने स्क्रीन पे दिया, कॉल कर सकते हैं। सर तो कितना प्रॉफिट होता है इसके अंदर? सर कोई भी अगर इस बिजनेस को करता है जी, तो दिन का हमारा पर डे का 20 से 25 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट अगर तो एक बैग में हमारे 50 पीस आते हैं और एक बैग की कॉस्टिंग हमारी आती है 25 रुपए से आसपास, मतलब जो हमें घर में पड़ती है सब कुछ लगा के। और आगे जो हम देते हैं मैक्सिमम उसको देते हैं, कहीं अगर हमारा कंपटीशन है तो हम 30 का भी देते हैं, 30 का भी है, 35 का भी है, 35 का जाता है। बिल्कुल जी, मतलब मार्केट के हिसाब से है। बाकी जो सर ने आपको कमाई बताई है 10,000 भी है, 15,000 भी है, 20,000, 25,000 तक भी कमा सकते हैं दिन का। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग कैसी है, ठीक है, आपका सप्लाई चेन कितना स्ट्रांग है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी इसके अलावा अगर जैसे कोई जुड़ता है सर, किसी ने हमारी वीडियो देखी, कोई यहाँ पे विजिट करता है, मैं सबसे पहले ये कहूँगा अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो प्लीज एक बार कंपनी में विजिट जरूर करें। क्यों सर, सही बोला ना? विजिट करके आपको पता लगेगा कंपनी कहाँ लोकेटेड है और काफी टाइम से इस बिजनेस के अंदर है। कोई सर खरीदना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? देखिए इस पूरा प्लांट का जो आपने देखा है 5.5 लाख रुपए की कॉस्टिंग है इसकी, प्लांट की, पोला के प्लांट की इसकी। इसमें 5.5 लाख रुपए आएगा, बाकी GST अलग रहेगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से मंगाएंगे आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल बना के दे दिया जाएगा, आप पेमेंट करें ट्रांसपोर्ट की। आप मशीन, तो उस मशीन से हम पोला भी तैयार कर सकते हैं, पफ भी तैयार कर सकते हैं। इस मशीन से आप कम से कम 10 से 15 तरह के आइटम बना सकते हैं। मतलब एक मशीन से 10 से 15 आइटम तैयार कर सकते हैं। और सर ने तो और भी ज्यादा आइटम बताए थे, बाकी इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं अगर आप चाहते हो, कौन कौन से प्लांट्स स्टार्ट कर सकते हैं? मेरे पास जैसे आपने देखा पोला का प्लांट हो गया, पूरा पफ का हो गया, ट्विजमन प्लांट, कुरकुरे का प्लांट, चिप्स का प्लांट जी, नमकीन का और सोया बड़ी का, मैक्रोनी पास्ता का, क्या और बिस्किट का प्लांट, ये सब जरूरत है। मतलब इस टाइम बेसिक नीड्स है, इस टाइम हम ही सभी खाते हैं। और अब बात आती है ये कंपनी लोकेटेड कहाँ पे है सर, एक बार एड्रेस जरूर बता दें। सर मेरी कंपनी नोएडा सेक्टर 10 में है। ठीक है, मेरा एड्रेस है A35 सेक्टर 10 नोएडा। कंपनी का नाम है रॉयल फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग मशीन। बिल्कुल, आपको इंडिया के किसी भी कोने से आएंगे तो आपको न्यू दिल्ली आना है, वहां से आपको मेट्रो मिलेगी, मेट्रो ले लीजिए या ऑटो ले लीजिए जी। आपको नोएडा सेक्टर 16 आना है, वहां से आपको ई रिक्शा या ऑटो कोई भी मिलेगा। बिल्कुल, वहां से आप नोएडा सेक्टर 10 आ सकते। बिल्कुल, बाकी अगर इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी चाहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। बाकी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यही कहूँगा प्लीज एक बार विजिट जरूर करिए। अगर आप विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप घर बैठे भी मशीन को मंगवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगी आपको। आपको यहाँ से अगर आप यहाँ से परचेजिंग करते हैं, मशीन लेते हैं बिजनेस के लिए, तो इंजीनियर प्रोवाइड करा जाएगा 2 से 3 दिन। कितने दिन के लिए? ट्रेनिंग के लिए मैं बंदा भेजूंगा। बिल्कुल, 1 वीक जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक आप मतलब सीख सकते हैं।